गौर तेल के बिना, राधा रानी के बिना तो कृष्ण की पूजा को भी पाप कहा है शंकर जी ने। कितनी बड़ी बात है, बोले बिना राधा रानी के उस तत्व की पूर्ति नहीं हो सकती, वो तत्व पूर्ण हो नहीं सकता है। फिर भागवत जी को गाने से तो व्यास जी को भी पूर्णता मिल गई। तो अगर इसमें राधा यश नहीं होता तो ये ग्रंथ ही पूर्ण नहीं होता, और ग्रंथ पूर्ण नहीं होता तो व्यास जी की अपूर्णता को क्या मिटाता। गौर तेज को गाया, श्री जी के यश को गाया व्यास जी महाराज ने, सुखदेव जी महाराज ने, सभी महापुरुषों ने गाया। और एक ऐसी विलक्षण पद्धति से गाया कि अधिकारियों को तो जिनका इस रस में प्रवेश है वो तो दिन रात इस रस में डूबे ही रहते हैं, लेकिन अनधिकारियों को यह होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ेगा जिनका उसमें प्रवेश नहीं है। होते हुए भी हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं वहां तक, योग्यता चाहिए उसके लिए, पात्रता चाहिए उसके लिए। तो भागवत महात्म्य भी श्री जी की स्तुति से आरंभ किया है। फिर प्रथम स्कंद का आरंभ भी राधा रानी की स्तुति से आरंभ किया है। यहां भी जो प्रथम श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् तरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्रत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तपूर्वकं सत्यं परं धीमहि। ये प्रथम स्कंध का प्रथम श्लोक है भागवत जी के। यहां भी राधा रानी का स्मरण हुआ है। क्या कहकर बोले, सत्यम परम धीमहि कहकर। किसका ध्यान कर रहे हैं व्यास जी महाराज? बोले परम तत्व का ध्यान कर रहे हैं। और परम तत्व कौन है ये सब समझ सकते हैं, परम तत्व श्री राधा रानी है। जो श्री ठाकुर जी की भी आत्मा है, आत्मा तो राधिका तस्य तयैव रमणा दशम स्कंद पुराण में लिखा है, जो भगवान की भी आत्मा है वो श्री राधा रानी है, उनसे ऊपर कोई नहीं है, इसलिए वो परम तत्व है। परम तत्व का मतलब ऐसा तत्व जिससे फिर कोई आगे तत्व न हो, वो परम तत्व है। तो यहां प्रथम श्लोक में जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् तरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्, ये श्लोक क्या कह रहा है? बोले संपूर्ण राधा रानी की लीला को गा रहा है, युगल रस की लीला। इस श्लोक का एक अर्थ श्री ठाकुर जी में भी घटित होता है और एक अर्थ श्री राधा रानी में भी घटित होता है। कैसे है भगवान? बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् तरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्। यथा माने जो भगवान इस संसार के आदि पुरुष हैं, सबसे पहले ठाकुर जी तो थे, प्रलय थी, संसार नहीं था, तो भगवान ही थे उस स्थिति में। तो वो भगवान जिनका जन्म माने जहां जन्म हुआ, तो भगवान का कहां जन्म हुआ सब जानते हैं, मथुरा में हुआ, जेल में हुआ, कारागार में हुआ। बोले अनवया जन्म तो हुआ कारागार में, लेकिन वो कारागार में रहे नहीं। भागवत जी कह रही है इतरतः, जन्म हुआ मथुरा में लेकिन भगवान दूसरी जगह रहे। कहाँ रहे? गोकुल में। सब जानते हैं जन्म मथुरा में हुआ और तुरंत उनको गोकुल पहुंचाया गया, वसुदेव जी ने पहुंचाया। कैसे है वो? अर्थेषु अभिज्ञ है। क्यों गए गोकुल में भगवान? बोले जान रहे हैं कि वहां बहुत से असुरों को मुझे मारना है, ब्रजवासियों को सुख देना है, यशोदा मैया नंद बाबा को भी लाला का सुख प्रदान करना है। तो वो जानते थे अपने जाने के कारण को, इसलिए भगवान वहां गए। कैसे है वो भगवान? बोले स्वराट है।
स्वराट का मतलब जो स्वतंत्र सिद्ध सत्ता है, जिसके ऊपर किसी की सत्ता नहीं है, जो स्वतंत्र है। हम सब जीवों के शासक भगवान हैं। हम लोग भगवान पर थोड़ी शासन कर सकते हैं, उनके ऊपर थोड़ी शासन कर सकते हैं, इसलिए वो स्वराट है, वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र सत्ता का नाम स्वराट है। तो क्या भगवान अकेले ही रहते हैं वहां? तो बोले नहीं। स्कंद पुराण कहता है गावो गोपाश्च गोपिका नित्या सर्वे विहाराद्या। अब देखो ये बड़ी विशेष बात है, बोले भगवान ही स्वराट नहीं है, गावो गोपाश्च गोपिका, ब्रज में जो गैया हैं, ब्रज में जो गोपियां हैं, ब्रज में जो ग्वाल बाल हैं, कह रहे हैं प्राणों में नित्या सर्वे, ये सब नित्य है और सदैव वहां नित्य लीला होती रहती है। आज भी ब्रज में वही लीला हो रही है जो आज से 5,500 वर्ष पहले हुई थी और आगे भी ये सदा होती रहेगी, इसलिए इसको नित्य लीला कहा। लेकिन अनुभव उनको ही होता है, दर्शन उनको ही होता है जो इसके अधिकारी होते हैं। आज भी वहां ऐसे महापुरुष हैं जिन्हें इस लीला का साक्षात अनुभव हो रहा है, साक्षात दर्शन हो रहा है। आप कभी आए बरसाना तो ऐसे छिपे हुए महापुरुष हैं आज भी वहां, परम पूज्य श्री श्री रमेश बाबा जी महाराज, आज भी वहां वही भक्ति की, वही रस की, वही धारा वहां बह रही है। आश्रम में कम से कम 500-600 सब साधक हैं, साधु साध्वियां बालक सब हैं, और ऐसा 1 घंटे रात्रि में संध्या के समय 6:30 से 7:30 ऐसी रसमयी उपासना वहां होती है। अगर कभी आओ तो साक्षात दर्शन करो, और नहीं आ सकते हो तो भी आप लोग वेबसाइट पर manmandir.org इस पर आप लोग लाइव इसका दर्शन कर सकते हैं। सैकड़ों साधक साध्वियां वहां किस तरह से उस रसमयी उपासना में सम्मिलित होते हैं, कैसे नृत्य, कैसे गायन, नेत्र बंद करके संसार को न देखने दिखाने का, रिझाने का कोई अभिप्राय नहीं, कैसी रसमयी पद्धति से वो उपासना होती है, आप लोग स्वयं देखें। ये एक वाणी का विषय नहीं है, आपको जितना बताएंगे उसमें कोई रस नहीं आ सकता, लेकिन ये एक सूचना है। अगर आप इस रस की प्राप्ति चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, वहां आए तो साक्षात देखें। साक्षात्कार में तो जो लाभ है वो तो खैर अन्य यंत्रों पर हो भी नहीं सकता है, लेकिन फिर भी नहीं जा सकते या नहीं गए तो आप लोग देखें, इतनी रसमयी उपासना। तो आज भी ये उपासना वहां हो रही है, ऐसा नहीं कि 5,500 वर्ष पहले ही ये सब उपासना थी, आज भी वो उपासना वहां है। ठाकुर कृपा करें तो उसका साक्षात्कार, उसका अनुभव, उसका दर्शन होता है। तो इसलिए कहा नित्या सर्वे, वहां सब कुछ नित्य है, वहां का हर पत्ता पत्ता नित्य है, वहां का हर एक जड़ चेतन नित्य है। तो स्वराट का मतलब यहाँ केवल भगवान ही नहीं है नित्य, सब गोपी ग्वाल सारा परिकर भगवान का नित्य है। तो इसलिए अर्थेश्व भिग्यः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये, और उन भगवान की लीलाएं ऐसी हैं कि उन लीलाओं में यद मुह्यन्ति सूरयः, बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं। ठाकुर जी की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं। अब देखो ब्रह्मा जी ने जब ठाकुर जी को झूठा खाते हुए देखा तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया, और सृष्टि के बड़े देवताओं में हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को नहीं दाऊ जी महाराज को भी मोह हो गया ठाकुर जी की लीला से, दाऊ जी को भी, जबकि बड़े भैया हैं, शंकरष्ण जी के अवतार हैं, शेषावतार हैं। 1 साल का जब ब्रह्मा जी ने गाय बछड़ों को चुरा लिया तो भगवान ही वहां बछड़े बने, ठाकुर जी ग्वाल वाल बने, अपनी लीला सुन रखी होगी। तो 1 साल तक किसी ब्रजवासी को पता नहीं चला, यहां तक कि दाऊ जी महाराज को भी पता नहीं चला 1 साल तक। तो दाऊ जी भी 1 साल तक मोहित रहे उनकी लीला में, इसलिए यहां कह रहे हैं यद मुह्यन्ति सूरयः, उनकी लीलाएं ऐसी हैं कि जब दाऊ जी तक को मोहित कर लें तो फिर सारा हमारी तुम्हारी क्या गिनती है।
पर बिना कृपा के ये लीलाएं थोड़ी समझ में आ सकती है, बिना कृपा के तो ये मोहित करेंगी केवल, समझ में नहीं आएगी बिना कृपा का। कैसी लीलाएं हैं हनुमान, क्या है उन लीलाओं में, बोले तेजो वारी मृदान यथा विनिमय। कैसी लीलाएं, बोले ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो विरोधी धर्म वहां आते हैं। क्या विरोधी धर्म है, बोले जाकी सुंदरता जग वर्णत मुख छवि लखी दिति चंद्र लजा। महापुरुषों ने पद में गाया, जो भगवान सबसे सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि जिनकी सुंदरता को देखकर चंद्रमा भी फीका पड़ जाता है। द्युति चंद्र लजावे, चंद्रमा की किरणें, चंद्रमा का प्रकाश भी वहां लज्जित हो जाता है। और सूरदास जी ने तो एक पद में लिखा है, हर्षित वेणु बजायो छैल चंद्र ही बिसरी नभकी गए। जब ठाकुर जी वंशी बजाते हैं तो चंद्रमा चलना भूल जाता है, मार्ग भूल जाता है, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, चंद्र ही बिसरी नभकी गए। ऐसी तो इनकी लीलाएं हैं, ऐसा तो इनका वेणु वादन है। और वेणु गीत में तो सुखदेव जी ने विस्तार पूर्वक खुल के इस रस को गाया है। कैसे विरोधी धर्म आता है, बोले गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत। जब वंशी गैया बछड़ा सुनते हैं तो छोटे छोटे बछड़ा गैया का दूध पी रहे थे, उनके मुंह में जो दूध का घूंट था उस दूध को वंशी की ध्वनि सुनकर ऐसे जड़ता को प्राप्त हो जाते हैं कि उस दूध के घूंट को ना तो निगल पाते हैं ना उसको उगल पाते हैं। चेतन बछड़े भी जड़ भाव को प्राप्त हो गए, वो भी जड़ बन गए। इतना ही नहीं, कृष्ण निरीक्ष वनितोत्सव रूप शीलम, आकाश में देवांगनाएं बड़ी बड़ी गंधर्वियां जब वंशी की ध्वनि को सुनती हैं तो उनकी कहीं उनकी चूनर गिर जाती है, कहीं उनकी केश खुल जाते हैं, कहीं उनका नीवी बंधन खुल जाता है, पर वे देवियां भी ऐसी जड़ता को प्राप्त हो जाती हैं कि उनको ध्यान ही नहीं रहता कि हमारे वस्त्र खुल रहे हैं या हमारी चोटी खुल रही है या हमारे केश खुल रहे हैं, इतनी जड़ता को प्राप्त हो जाती है। और क्या है, बोले प्रायो बतामो भेगा मुनयो वस्मे वनेस्मे, पक्षी बोलना भूल जाते हैं उनकी वंशी की ध्वनि को सुनकर, उनकी चहचहाट बंद हो जाती है। और नद्य सदा पदपधा के कुंद गीतम, यमुना जी का काम है, जल का काम है सदा बहना, लेकिन यमुना जी का जल भी उस ध्वनि को सुनकर स्तंभित हो जाता है, रुक जाता है। और बड़े बड़े जो पर्वत हैं गिरिराज जी आदि, उन पर्वत की शिलाएं पिघलने लगती हैं। अब देखो पानी का धर्म पत्थर में आ गया और पत्थर का धर्म पानी में आ गया, ये क्या है, तेजो वारी मृदान यथा विनिमय, ये उल्टा सीधा धर्म हो रहा है। पानी का काम है बहना तो यमुना जी रुक गई, और पत्थर का काम है ठोस पाषाण बन के टिका रहे और पत्थर पिघलने लगते हैं पानी की तरह। तो इतना विरोधी धर्म आता है, अब इन लीलाओं को कैसे समझा जा सकता है बिना कृपा का। कैसी लीलाएं, बोले यत्र त्रिसर्गो अमृषा, भगवान की त्रिसर्गिक लीला हुई है, तीन जगह लीला, एक ब्रज लीला, एक मथुरा लीला और एक द्वारिका लीला। और ये तीनों ही सर्ग अमृषा माने सत्य है। इनमें भाई द्वारिका लीला का प्रभाव कम है या मथुरा लीला का ज्यादा है या ब्रज का ज्यादा है, बोले वो रस के कारण हो सकता है क्योंकि ब्रज में रस बहुत रहा है, मथुरा में थोड़ा कम हो गया क्योंकि मथुरा में थोड़ा ऐश्वर्य प्रकट हो गया, और द्वारिका में तो ऐश्वर्य पूर्ण रूप से आ गया इसलिए रस उतना नहीं रहा। लेकिन लीलाएं तीनों सत्य है, अमृषा माने सत्य है, रस कम ज्यादा हो सकता है लेकिन सत्य तीनों है। धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, ऐसे प्रभु ने जहां लीला की है जिस धाम में, और उनकी लीलाओं से जहां माया घुस नहीं सकती है। व्यास जी महाराज ने अपने पद में कहा है, माया काल रहित नित नूतन कबहु ना ही न साथ, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन से रात।
माया का, वहां माया घुस नहीं सकती उस धाम में, वहां काल प्रवेश नहीं कर सकता, जो नित्य नया होता रहता है, कबहु नाहि नसा, कभी नष्ट नहीं होता है। राधा माधव के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जाते। ठाकुर जी के मंदिर में महाप्रलय की भी क्या सामर्थ्य जो आकर घुस जाए, कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर दे, बोले वहां महाप्रलय भी नहीं जा सकते। तो भाई देखने में तो ब्रज साधारण सा लगता है, भारत में एक छोटे से एक राज्य में उत्तर प्रदेश में, और ब्रज भूमि है, 84 कोस ब्रज भूमि का विस्तार है, या अन्य ग्रंथों में मिलता है और भी विस्तार है। बोले दिखने में ये सामान्य जरूर है, लेकिन ये धाम फणि पर रवितल नहीं विराट, नहीं संध्या नहीं प्राप्त। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बोले शेष नाग के फण पर सारी पृथ्वी है, लेकिन ब्रज नहीं है। रवितल सूर्य के प्रकाश में सारा संसार है, लेकिन इस ब्रज में सूर्य का प्रकाश भी नहीं है। अब हम लोगों को तो दिखेगा भाई सूर्य भी उदित हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस ब्रज का जो वास्तविक स्वरूप जिन्हें इसका अनुभव हुआ वो कह रहे हैं, बोले साधारण सूर्य का प्रकाश ब्रज में नहीं है। यहाँ तो युगल किशोर दिव्य दंपत्ति के दिव्य श्री अंग की और विलक्षण प्रभा है, दिव्य अंग कांति है। ना ये शेषनाग के फण पर है, ना ये साधारण सूर्य के प्रकाश में है, और नहीं विराट में, भगवान के विराट रूप में सारा ब्रह्मांड है, सब संसार है, पर ब्रज नहीं है। नहीं संध्या नहीं प्राप्त, वहां का सुबह संध्या भी साधारण नहीं है। वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरा, ऐसा जो दिव्य भूमि है, ऐसा जो दिव्य धाम है, वह ब्रज जिसके लिए कहा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, वहां माया का प्रवेश नहीं है। दिव्य भगवान का प्रकाश है, वहां माया का कहां प्रकाश होगा। ऐसे परम सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान किया गया है। तो श्लोक का यह अर्थ कृष्ण परक में घटा है, लेकिन उनकी भी जो अधीश्वरी है, वस्तुतः जिनका लक्ष्य करके यह मंगलाचरण गाया है व्यास जी ने, वो राधा रानी है, उनकी लीला को भी घटाया है श्लोक में। बोले जन्माद्यस्य, जहां उन श्री राधा रानी का जन्म हुआ, कहां जन्म हुआ, रावल में। ये वृषभानु जी की, महाराज वृषभानु जो हैं, जो राधा रानी के पिता हैं, उनकी 3 राजधानियां थी, बरहाना, बरसाना और रावल, ये 3 राजधानियां हैं। और रसिकों की वाणी में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि तीनों जगह राधा रानी के जन्म को गाया गया है। तो चूंकि वो शुद्ध पुरुषों की वाणी है, इसलिए वो झूठी नहीं हो सकती। 3 राजधानियां थी महाराज विश्वानु जी की, कभी रावल में रहे हैं, कभी बरहाना में रहे हैं, और अधिक समय बरसाना में रहे हैं सबसे ज्यादा। तो कहां श्री जी का जन्म हुआ, बोले यहां गा रहे हैं कि रावल में जन्म हुआ है राधा रानी का। और इतरतः जन्म, जैसे ठाकुर जी का जन्म कारागार मथुरा में हुआ लेकिन दूसरी जगह रहे गोकुल में, वैसे राधा रानी का जन्म रावण में हुआ लेकिन राधा रानी रही बरसाना में। बरसाना में भी जन्म हुआ है, ऐसा ना सोचे कि बरसाना में, बरसाना में भी राधाष्टमी मनाई जाती है, लेकिन उसी तिथि को रावण में भी उनका जन्म मनाया जाता है और बरहाना में भी जन्म मनाया जाता है। तीनों जगह जन्म मनाया जाता है श्री जी का, क्योंकि महाराज विश्वानु जी की 3 राजधानियां थी। तो बरसाना में रही, क्यों रही, अर्थेश्व अभिज्ञ, वे जानती है कि मुझे बरसाना में क्यों रहना है, क्यों रहना है भाई। ठाकुर जी तो गोकुल में इसलिए रहे, दैत्यों को मारना था, असुरों का संहार करना था, पर राधा रानी बरसाना में ब्रज गोपियों को, ब्रजवासियों को प्रेम रस प्रदान करने के लिए रही, उनका सबसे बड़ा लक्ष्य यही था। कैसी है, बोले स्वराट है। सारा संसार की जो आत्मा है भगवान, उनकी भी जो आत्मा है, आत्मा तो राधिका तस्य, उनकी भी जो आत्मा है, इसलिए उन्हें स्वराट कहा।
उनसे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, उनसे ऊपर कोई तत्व नहीं है। तो ऐसी जो श्री राधा रानी जिनको स्वराट कहा, कैसी उनकी लीलाएं, बोले यज्ञ सूर्य ठाकुर जी की लीला में तो चलो भाई दाऊ जी महाराज मोहित हो गए, ब्रह्मा जी मोहित हो गए, श्री जी की लीला में कौन मोहित हुआ? श्री जी की लीला में परीक्षित जी महाराज मोहित हुए। जब रास संचार गृह की लीला गाई है सुखदेव जी ने 5 अध्यायों में, तो वहां परीक्षित जी ने प्रश्न किया है कि पर दारा वर्षनम ठाकुर ने पर स्त्रियों का स्पर्श क्यों किया? परीक्षित जी महाराज, भक्ति का प्रमुख अंग है श्रवण, और श्रवण भक्ति के आचार्य हैं परीक्षित जी, लेकिन उस स्थिति पर पहुंचने के बाद भी परीक्षित जी को मोह हो गया राधा रानी की लीला में। राधा रानी की श्रृंगार रस की लीलाएं ऐसी हैं जिसमें परीक्षित जी जैसे परम रसिक श्रोता को भी मोह हो गया, वो भी नहीं समझ पाया। इसलिए आखिर में कहा सत्यम परम धीमहि, जिस तत्व को परीक्षित जी भी नहीं समझ पाए वह परम तत्व है श्री राधा रानी। उन पर तत्व का, श्रेष्ठ तत्व का हम ध्यान करते हैं। तो कहां कहां लीला हुई है, यत्रत्र सर्वो वृषा। ठाकुर की लीला ब्रज लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला, ये 3 भाग कर दिए। राधा रानी के कहां भाग किए? बोले राधा रानी के रावण बरसाना और बरहाना, ये 3 विभाग कर दिए। ये इनकी 63 लीला है। और अमृषा सत्य है, रावण में भी जन्म है तो बरसाना में भी जन्म है तो बरहाना में भी जन्म है। जैसे ठाकुर जी का जन्म कारागार में भी है और गोकुल में भी है, ब्रज में भी है, यशोदा मैया के यहाँ, तो वैसे ही तीनों जगह उनका प्राकट्य हुआ है। ये तीनों बातें, ये 63 जो राधा रानी की लीला है यह सत्य लीला है। अब एक और विचार करने की बात है, कथा का समय तो हो गया है, अगर कहें तो यही विराम दें और अगर कहें तो और 10 मिनट। तो 63 जो श्री जी की लीला है, बरहाना बरसाना और रावण, इसका तो पुराण में ठाकुर जी की लीलाओं के 2 विभाग किए हैं। एक विभाग, एक लीला का नाम है वास्तविक लीला और एक लीला का नाम है व्यावहारिक लीला। इसी का दूसरा नाम है नित्य लीला और प्रकट लीला। नित्य लीला तो वह है जो सदैव धाम में हो रही है, गोलोक में हो रही है, सदा हो रही है, वो रुकती नहीं। व्यावहारिक लीला जो है, जिसे प्रकट लीला भी कहते हैं, इस लीला में ये लीला रुकती है। कैसे रुकती है? हमारी दृष्टि के कारण, कि भाई आज से 5,500 वर्ष पहले भगवान का अवतार हुआ, फिर 125 वर्ष तक भगवान ने लीला की है, उसके बाद भगवान धाम में चले गए हैं, तो यहाँ लीला में भगवान का जन्म भी होता है और भगवान को धाम गमन भी करना पड़ता है। पर नित्य धाम की जो लीला है, उस लीला में ना जन्म होता है ना धाम गमन होता है, वहां एक रस सदा लीला का प्रवाह हो रहा है। लेकिन ये लिखा है स्कंद पुराण में कि ब्रज में जो लीला है, उस लीला में वास्तविक लीला और व्यावहारिक की लीला के जो भेद किए हैं, वो भेद इस तरह से है कि ब्रज की जो लीला है वो प्रकट लीला है और गोलोक की जो लीला है वो नित्य लीला है। लेकिन ब्रज में भी मथुरा द्वारिका की जो लीला है वो प्रकट लीला है, और ब्रज भूमि की जो लीला है, जो गोकुल में बरसाना वृंदावन धाम में हुई है, ये नित्य लीला इसको माना है। क्योंकि आज भी ब्रज में ठाकुर की लीलाएं हो रही है, आज भी, इसलिए ब्रज की लीला को भी नित्य लीला कह दिया है। और समय समय पर अनुभव होता रहा है, महापुरुषों को दर्शन होता रहा है, उन्होंने उन्हीं
अनुभवों को, उसी दर्शन को अपनी अपनी वाणियों में गाया है ठाकुर की लीला में। उनको अनुभव हुआ है, दिखाए तभी तो गाया है। ये कोई कवियों की कल्पना थोड़ी है, ये कोई मनगणंत भावना नहीं है, ये अनुभव है जो उन्होंने अपने पदों में गाया है। तो ब्रज की लीला जो है, यह ब्रज में भी बरसाना धाम की जो लीला है वो और भी उत्कृष्ट लीला है, नित्य लीला है। क्यों? क्योंकि एक पद है महापुरुषों का, राधा रानी की कृपा से ही, बरसाने की कृपा से ही वृंदावन में रस आया है। ये व्यास जी महाराज ने अपने पद में कहा है। वे कह रहे हैं एक पद में, सोहग गोरी के गोरे पान, राधा रानी के चरण कमलों का वर्णन कर रहे हैं। ऐसी सुंदर गौर सुकुमारी है श्री राधा रानी, गोरे गोरे उनके चरण कमल हैं। श्याम काम बस जिनही हाथ गही, राखत कंठ लगा। ठाकुर जी भी जिन चरण कमलों को अपने हाथ में, कर कमल में धारण करके और अपने हृदय से, अपने कंठ से, अपनी छाती से चिपकाए रखते हैं चरण कमलों को श्री जी। कोटि चंद्र लख मणि पर वारो, गति पर हंस के गाल। ठाकुर राधा रानी के नखमणि, नखमणि कहते हैं नाखून जो है राधा रानी के, वो मणि के समान चमकने वाले हैं। बोले श्री जी के नखमणि पर करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं का भी न्योछावर कर दिया जाए तो वो भी कम है। और गति पर हंस के राय, जब राधा रानी चलती हैं झूमती हुई, तो उनकी गति पर सबसे सुंदर गति हंस की मानी जाती है। हंस बड़ा झूमता झूमता चलता है, करोड़ों करोड़ों हंसों की गतियां न्योछावर है राधा रानी की, ऐसी गति है, ऐसी मधुर चाल है। नूपुर ध्वनि पर मुरली वारो, जावक पर ब्रज लाल। बड़ी सुंदर बात कही। बोले श्री जी के नूपुर की ध्वनि पर ठाकुर जी अपनी वंशी की ध्वनि को न्योछावर कर देते हैं, ऐसी मधुर नूपुरों की ध्वनि है। और जावक पर ब्रज लाल, राधा रानी का जो चरणों में आलतक है, जो आलता है, लाल लाल महावर है, उस पर तो श्याम सुंदर अपने आप को न्योछावर कर देते हैं। धनी वृषभान धन्य बरसानो, धन्य राधा की मान। धन्य है वृषभान जी, धन्य है मैया कीर्ति जिनके यहाँ इस गौर तत्व का जन्म हुआ, श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ। और जाके परस सरस वृंदावन, बरसत सुखनी अघाय। और उसी बरसाने में चूंकि राधा रानी का जन्म हुआ है, उसी बरसाने से आगे चलकर वृंदावन में रस आया है। क्योंकि श्री जी अगर बरसाने में प्रकट नहीं होती तो वृंदावन में कहां से लीला होती। तो बरसाने की कृपा से वृंदावन में रस गया है। और ताकि शरण रहत काको डर, व्यास कहत समझा है। उनकी शरण लेने के बाद फिर किसी का डर में नहीं रहता है। और एक पद में व्यास जी महाराज कहते हैं, संसार में एक गोपी जो सर्वत्र युगल रस को ढूंढ रही थी, राधा रानी श्याम सुंदर को ढूंढ रही थी, संपूर्ण वृंदावन ढूंढा, सारा बरसाना, सारा ब्रज छान मारा, लेकिन उसे कहां ठाकुर जी मिले। एक पद में व्यास जी महाराज कहते हैं, लागी लट राधा राधाना, लागी लट राधा ढूंढ फिरी।
दान लेते हैं खोरसानरी। खोरसानरी में मिले श्याम सुंदर, इसलिए व्यास जी ने बरसाती की महिमा को गाया। व्यास दास की जीवन राधे, व्यास दास की जीवन राधे, धन जिस समय गोपियों को छोड़कर ठाकुर जी गए हैं तो वहां गोपियां ढूंढती ढूंढती जा रही हैं, और गोपियों ने देखा है कि श्याम सुंदर के ऊपर राधा रानी ने वहां ठाकुर जी को कहा, भागवत जी ने लिखा, नपार ये चल तुम नयमा यंत्रते मनम, मैं नहीं चल सकती, आप मुझे स्वयं लेकर चलो। श्री जी कह रहे हैं ठाकुर जी को, ठाकुर जी राधा रानी को कंधे पर बैठा कर लेकर गए हैं, और जब युगल रसराज चले हैं तो वहां राधा रानी ने ठाकुर जी के कंधे पर हाथ रखा। इससे पता चलता है कि आश्रय देने वाली राधा रानी है। अगर आश्रय ठाकुर जी देते तो ठाकुर जी राधा रानी के कंधे पर हाथ रखते, लेकिन वहां रास पंचाध्यायी की लीला में राधा रानी ने ठाकुर जी के कंधे पर हाथ रखा। इसलिए आश्रयणियां जो हैं, श्याम सुंदर को भी जो आश्रय देने वाली है, उनको भी जो सिद्धि देने वाली है,
उनको भी जो रस प्रदान करने वाली है वो है श्री राधा रानी। और राज पंचाध्याय में तो विशेष चर्चा की है सुखदेव जी महाराज ने इसकी। जगह जगह राधा रानी को 3 बार वधु शब्द का प्रयोग राज पंचाध्याय में सुखदेव जी ने किया है। जैसे किसी बात को 3 बार कह दिया जाए तो बिल्कुल पक्की हो जाती है, मानो सुखदेव जी ने 3 बार वधु कहकर वहां त्रिवाचा भरा है। इनकी प्रियतमा श्री राधा ही है, राधा ही है और राधा ही है। इनकी इष्ट भी श्री जी है और श्री जी है और श्री जी है, क्योंकि राधा रानी ने ठाकुर को आश्रय दिया है। तो त्रिवाचा भर दिया सुखदेव जी ने, अब तो कहीं संदेह का कोई प्रश्न ही नहीं रहा, कोई संशय का कोई प्रश्न नहीं रहा। तो इसलिए भागवत जी में तो जितनी राधा प्रधान उपासना है उतनी अन्य ग्रंथों में नहीं मिलती। ऐसी लीला कहीं नहीं मिलती है कि ठाकुर जी राधा रानी को कंधे पर बिठा कर गए, किसी ग्रंथ में नहीं मिलती भागवत जी के सिवाय। केवल भागवत में इस लीला का वर्णन है कि राधा रानी ठाकुर को कंधे पर, श्याम सुंदर श्री जी को कंधे पर बिठा कर गए हैं, स्कंद आरोग्यता मिलती है, और कहीं इस लीला की चर्चा नहीं है। तो बस इसी के साथ आज की इस रसमयी चर्चा को हम लोग यही विश्राम देंगे और बाकी शेष चर्चा जो है वो कल करेंगे। आरती की जाए या जय श्री राधे। अभी आप ये अद्भुत विलक्षण रहस्यमयी श्री राधा तत्व की चर्चा सुन रहे थे, जो देव दुर्लभ वस्तु है। जैसा आपने बताया था, बड़े बड़े देवगण भी इसको नहीं प्राप्त कर पाए, वो आपको सुनने का अवसर मिला। ये तो अनंत पारावार है, इसी कोई था नहीं। थोड़े समय में कहा भी क्या जा सकता है। मैं संक्षेप में ये बता देना चाहता हूं, जैसे वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी थे, उन्होंने उनको प्रणाम किया, क्यों सुखदेव जी जैसा निष्प्रिय सदाचारी और कोई ऐसा नमूना विषय कोई दूसरा नहीं था। ये दोनों बालक भगवान की कृपा से पालित हैं। अगर उनको योग भ्रष्ट कहा जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। जैसे प्रहलाद जी ने गर्भ में ही भगवत रस की प्राप्ति कर ली थी, जब ये गर्भ में थे इन्होंने फिर 84 कोस की यात्रा की। उसके बाद जब ये पैदा हुए, सबके लाडले होने के कारण से गोद में यात्रा की, और जब थोड़े चलने फिरने लगे उसके बाद में महाराज जी की कृपा से पल्लवी चुकी। महाराज जी एक ऐसे अद्भुत संत हैं, भारत में ही नहीं विश्व में भी अगर कहीं आप देखेंगे खोज करके ऐसे निष्प्रिय संत आपको नहीं मिलेंगे। बड़े उद्भुत विद्वान हैं, यूनिवर्सिटी टॉपर रहे, लेकिन जब से ब्रजभूमि में आए ब्रज से बाहर गए, लगभग उनको 62 वर्ष हो गए और तब से गए। मां के इकलौते बेटे थे,
उनकी माता जी पता लगाते हुए आई, 40 वर्ष ब्रिज में रहे, 105 वर्ष की अवस्था में उनका शरीर पूरा हुआ 2007 में, और उसके बाद में उन्होंने उनकी स्मृति में एक गौशाला खोली और कहा था अगर तुम लोगों के अंदर ईमानदारी और निष्ठा से सेवा करोगे तो ये विश्व की प्रसिद्ध गौशाला होगी। संतों की वाणी अन्यथा नहीं होती। आज हम देख रहे हैं 7-8 साल हुए हैं, अभी 8 साल हुए भी नहीं हैं, आज उस गौशाला के अंदर 35,000 गाय हैं देशी नस्ल की, जो आपको सारे विश्व में एक स्थान पर इतनी गौएं नहीं मिलेंगी। महाराज जी ब्रिज से बाहर नहीं जाते हैं, लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि आप ब्रिज की यात्रा करा दें, तो 88 में पहली यात्रा हुई और करीब 150-200 उसमें आदमी थी। महाराज जी ने शर्त रखी थी कि यात्रा की शर्त होगी कि कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी सब यात्रियों के लिए, जैसे गरीब आदमी भी कर सके। स्वीकार कर लिया गया। हम लोगों के पास साधन भी नहीं थे, 11 बोरी सत्तू पिसाया गया। महाराज जी का कहना था कि यदि हम सत्तू खाएंगे तो दूसरे भी सत्तू खाएंगे और कोई ये नहीं कहेगा कि हमारे लिए ये सुविधा नहीं है। बड़े चमत्कार हुए उस यात्रा में। एक वृद्ध महिला समाप्त हो गई थी, उनको एक गांव में छोड़ दिया कि जब यात्रा आएगी तब ले जाएंगे, लौटा करके ले गए, बोले समाप्त हो गई है। महाराज जी ने कीर्तन किया और कीर्तन के प्रभाव से वृद्ध माता जीवित हो गई। बड़े आश्चर्य की बातें हुई, ऐसी ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएं हुई, हर साल कोई ना कोई होती है। 97 में बड़ी भारी बाढ़ आई थी, कलेक्टर ने आसपास के सब जगह खाली करवा दी थी। महाराज जी से लोगों ने प्रार्थना की कि आप अब यात्रा न जाएं, 2-3 दिन के लिए स्थगित कर दें, बोले ठीक है। लेकिन जब यात्रा चलने का समय हुआ, सवेरे चल दिए, फिर उनके पीछे रुकना कौन था, गए वहां पर बाढ़ की जमुना जी, स्टीमर से पार करने को थे, 150-200 आदमी उसमें बैठे हुए थे स्टीमर में। होनहार की बात, एक बड़ी विचित्र घटना हुई, स्टीमर का डीजल खत्म हो गया और उनका जो ड्राइवर था दूसरे स्टीमर में बैठ करके डीजल लेने चला गया, कोई नहीं उसने, महाराज जी ने कहा कीर्तन करो, कीर्तन होता रहा और 4 घंटे में वो लौट करके आया, सब सुरक्षित रहे कीर्तन के प्रभाव से। ऐसी ऐसी विलक्षण घटनाएं उसमें होती हैं। और आज उसका इतना विस्तार है कि करीब 20,000 यात्री उसमें चलते हैं, लेकिन किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं, इसलिए नहीं कि आप लोगों से कोई फंड रेज करना है। महाराज जी ने इन बालकों को भेजा है डॉलर इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आप लोग कृष्ण रसपान करें और वो भक्ति का आनंद लें। जितनी निष्क्रियता होती है उतनी उसमें शक्ति होती है। हमारा आपसे यही अनुरोध है, हमने ये जो बातें कही हैं इनको देखने के लिए आप एक बार ब्रज में जाएं। सच में आपको ब्रज रस प्राप्त करना है, आप कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो आप ब्रज में जाइए, ऐसे संतों का सानिध्य प्राप्त कीजिए और वहां पर 2 दिन 4 दिन 10 दिन जितना भी हो सके उस यात्रा का लाभ लीजिए। ये आपके जीवन की एक सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ये आप देख रहे हैं मुरलका जी के, आपने अंदाज लगा लिया होगा कि महाराज जी के यहां पर क्या होता है। 250 बच्चे हैं गुरुकुल में और करीब 150 बालिकाएं हैं, 100-125 साधु भी रहते हैं। अभी एक बड़ी अद्वितीय घटना हुई, जितने भी तीर्थ हैं सबको भगवान ने आवाहन किया। नंद बाबा कृष्ण से बोले बेटा
हमारी भी इच्छा है, हम भी तीर्थ में जाना चाहते हैं। बोले बाबा क्या करोगे, हम सब तीर्थों को यही बुलाए देते हैं। तीर्थों का आह्वान किया, सभी तीर्थ वहां पर प्रकट हुए। वहां पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, प्रयागराज, ये सभी तीर्थ ब्रज में मौजूद है। आदि बद्री में एक तीर्थ देव सरोवर, वहां पर बिल्कुल ये समझो अप्रकट रहा, महाराज जी की दृष्टि गई उधर। और उसको प्रकट करने के लिए इंजीनियरों से बात की, उन्होंने 80 लाख का उसमें खर्चा बताया। लेकिन देखो कृपा शक्ति और ये महाराज जी का दृढ़ निश्चय, हमारे यहां के सभी बालक, सभी बालिकाएं, साधु संत सब पहुंचे और वहां पर वो तीर्थ का ये समझो उद्धार किया गया। सबने कार्य सेवा की और होते ही ये समझो कि ठाकुर जी ने उसको स्वीकार किया। जैसे ही कार्य समाप्त हुआ, इतनी तेज वर्षा हुई कि सारा कुंड भर गया, 30 फीट पानी उसमें हो गया। ये महाराज जी के संकल्प की चमत्कार की बातें हैं, क्योंकि जहां सच्चा लक्ष्य होता है तो भगवान वहां पर स्वयं आकर के उसमें सहायता करते हैं। उस यात्रा के बीच में एक बार भक्तों ने कहा था कि यात्रा में कुछ खर्चा नहीं लिया जाता है, किसी से शुल्क नहीं लेते हैं, तो महाराज जी आपसे प्रार्थना है कि एक जैसे लोग सेवा करने वाले हैं उनका नाम अनाउंस कर दिया जाए, जिससे कि दूसरों को भी उत्साह बढ़ेगा और काम भी चलेगा। उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं हमारी यात्रा में ये नहीं होगा, हम लोग सत्तू खाकर के, खिचड़ी खाकर के यात्रा कर लेंगे, लेकिन किसी से याचना नहीं करेंगे, हमको ये राजसी द्रव्य नहीं चाहिए। जिनको नाम की कामना है वो हमको नहीं चाहिए इस तरह का, उसमें वो विशुद्ध द्रव्य लगता है जिससे भाग्यशाली लोगों का लगता है, जिससे कि ये संजो कभी कमी नहीं आती है। महाराज जी कहते हैं ये हमारे राधा रानी की यात्रा है। यात्रा में कोई यात्री आए अथवा गौशाला में कोई गऊ आए, गौशाला में जितनी इतनी गौएं जो हुई हैं इन सबको स्लॉटर होने से बचाया गया है, इसलिए इतने समय में ये सब गायें हो गई हैं। बोले गौशाला में कोई गाय आए, यात्री आए, उनको लौटाओ नहीं, और वही चल रहा है। उनकी कृपा का, उनके दृढ़ संकल्प का हम ये साक्षात चमत्कार देख रहे हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है अनन्य रूप से जो मेरा चिंतन करते हैं उनके योग क्षेम का वाहन तो मैं स्वयं करता हूँ। महाराज जी कहते हैं लाख नहीं करोड़ रुपए का भी खर्च होगा तो वो भी हमारी राजा रानी पूरा करेगी, और हो रहा है, आश्चर्य होना चाहिए उनका। और इसका ज्वलंत उदाहरण देखने के लिए मैं आपसे यही कहूंगा, आप इस लाभ को लेने के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए एक बार ब्रज में जरूर जाएं, और यही आपके जीवन का, मैं समझता हूं ये गोल्डन टाइम होगा। यहां से भी कितने लोग जाते हैं, अरुणमा जी तो जाने कितनी बार हो आई, मैं अब अधिक समय नहीं लूंगा, अब यही मैं विराम देता हूं। नमस्ते, आइए हम साथ में मिलके मुरलिका जी, उनके गुरु जी और उनके साथ आए, उनको प्रणाम करके तालियों में गड़गड़ा से उनका अभिवादन करते हैं। और मेरी आपको नम्र विनती है कि कल 6 बजे यहाँ शुरू होगी, तो आप लोग जरा आपके जो फ्रेंड्स हैं, सगा संबंधी है, सब लोगों को लेके जरूर यहाँ आइए कल। क्या क्या इवेंट, और एक ऐसे तय हुआ, ये जो खंडेलवाल फैमिली उनको लाए यहाँ, तो वीना बहन इंडिया से मेरे को ईमेल फोन कर रहे थे और किशन भाई यहाँ संडे आए थे, तो ये जो सारा सेटअप है दीपक बहन अकेले ने किया, तो उनका मेरे को आभार मानना चाहिए। किशन भाई संडे आए थे, हमारे किचन में जो सुरेंद्र भाई काम कर रहे हैं वो नहीं थे, तो सतीश भाई मेहता ने ये सारा किचन का काम किया है, उनके साथ प्रवीण भाई, दिनेश भाई भी रहे थे, तो उनका आभार मानिए। क्या इवेंट आ रही है, 2-3 इवेंट मैं बताता हूँ। ये
सैटरडे आ रहा है, सैटरडे के दिन स्वामीनारायण संप्रदाय के आचार्य श्री राकेश प्रसाद जी आने वाले गांधी भवन में, उनका उनका 5 से 7 प्रवचन है। और हिंदू सेंटर का 33 साल पूरा हुआ है, 33वीं साल गिरा हिंदू सेंटर की 25 जुलाई को यहाँ ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसमें आनंद बाजार है, हेल्थ फेयर है और कल्चरल शो है। जिसको भी ब्लड डिस्कस करना है तो ब्लड ड्रॉइंग होगा जुलाई 11। तो आप लोगों का जो साथ मिल रहा है इसका मैं बहुत ही आभारी हूँ, और ऐसा ही सत्कार आप लोगों का मिलता रहे, ऐसे हम भगवान और राधा जी को प्रार्थना करते रहे। आरती के लिए मेरे को 3 नाम दिए गए, गनात्रा फैमिली, अरुणा मैया और खंडेलवाल फैमिली। आरती की शुरुआत करेंगे, बाद में आरती सब लोगों को लाभ मिले ऐसा ही। फिर से एक बार आपको खूब खूब आभार। माधव की प्यारी दया करो।
हरे ओम आराधिक्यांदलेन शीलेकरणम पुष्पय देवाभिवंदनम आत्मविवंदनम यज्ञेन यज्ञवैदन्त देवास्ताय धर्माण प्रथमान्यासन्नपेहनाकं महिमानः ससन्दयत्र पूर्वे साध्याः सन्निवेवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री वेदव्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय श्री राधावान हरिलाल की जय श्री राधारास हरिलाल की जय श्री बाबा महाराज की जय अपने अपने गुरुदेव की जय आज के आनंद की जय जय श्री राधे। एक बात और कहना चाहूंगा, आप सभी लोग जो आनंद ले रहे हैं कल और है, अपने मित्रों को मिलने वालों को उनको भी कहिए, आपकी प्रेरणा से मान लीजिए 5 व्यक्ति आते हैं तो आपके कथा सुनने का फल 5 गुना हो जाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप प्रेरित करें, ये भी आपका एक बहुत बड़ा योगदान होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ लें, यही मैं कहना चाहूंगा। राधे राधे।